Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zameer. Go grab your tickets for Pravasi Junoon, which is coming out this Eid ul Azha. तुम जरियाब को भूल क्यों नहीं जाती? नहीं? क्यों से याद दिलाती रहती हो कि तुम अब भी वही दानिया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस दिन राहत आपा के सामने अच्छा खासा शर्मिंदा करवा दिया। पता नहीं क्या सोचती होंगी वो। आंटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जरियाब को कॉल अरमान ने की थी, मैंने नहीं। अरमान तो है ही बेवकूफ, उसे अक्ल होती तो घर में ये तमाशे हो रहे होते। सबके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो क्या मुझ पर इल्जाम रखना चाहती हो? कैसा इल्जाम? मेरा मतलब है जरियाब को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सोनिया को तुम्हारी बेतकल्लुफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं ख्याल करना चाहिए। आंटी आप ये सब अरमान को समझाइए। अरमान से तो अब खुलकर बात करनी पड़ेगी। अरमान अजीज भाई बीमार रहने लगे हैं बहुत। हाँ इसलिए मैंने दानिया को कहा था कि कुछ दिन वहां ठहर ले। उसकी जल्द आने की वजह जानते? नहीं। अरमान पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह जरियाब है। जरियाब? अब तुम्हें मुंह खोलकर क्या बताऊं, अच्छा तो नहीं लगता कहते हुए। उसकी शादी तुमसे हुई है और ख्याल वो इस तरह उसका रखती है जैसे कि जैसे क्या? मुझे तुमसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तुम भी सब कुछ देख रहे हो। मामा जैसे आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अरमान तुम बहुत सिंपल हो, ऐसी ही बातों से घर बर्बाद हो जाते हैं और मामलात बहुत उलझ जाते हैं। मामा इस कहानी में कोई बर्बाद नहीं होगा, और जो सिरा उलझ गया है वो ठीक हो जाएगा। कौन सी कहानी, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। तो फिर हमारी मुलाकात कब होगी नेक्स्ट? जब भी तुम चाहो, एनी टाइम। सुना है कि तुम अब बिजी होने वाले हो। डैड कह रहे थे कि वो जीवी प्रोजेक्ट आप शुरू करें। हाँ मीटिंग्स तो चल रही हैं, बस अब फैक्ट्री रन होने की देर है। गुड, इस तरह हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हमारा रिश्ता भी। आई मीन सॉरी ये डैड का कहना है, मेरा नहीं। तुम कब आए? काफी देर का खड़ा हूँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे लगता है तुम किसी का इंतजार कर रही हो। नहीं। हाँ अरमान का, हम शाम की चाय साथ पीते हैं। लगता है सारे पुराने इख्तलाफात खत्म हो गए। लेकिन वो तो बाय जाए, ले लोगी उसके बगैर? उसने कहा मुझे जल्द नहीं बुला लेगा। ओह यस। वैसे भी ज्यादा देर मेरे बगैर रह नहीं सकता। तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना कि अरमान तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखेगा। नहीं, लगता था काफी केयरलेस था, पर है नहीं। अरमान को बुलाने, काफी देर हो गई।
हटूं? तुम उसे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। सच बोल रही हो? तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता? क्योंकि तुम्हारी आवाज तुम्हारे लहजे का साथ नहीं थी। क्या मतलब? क्या सुनना चाहते हो? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। दरिया, मेरी और तुम्हारी दोस्ती कभी थी, अब है नहीं। सच यही है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरमान मुझे और जरियाफ से अलग अलग वही बात दोहरा रहा है जो हमारे माजी की ख्वाहिश थी। अरमान चाहता है कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके मुझे आजाद कर दे ताकि मैं जरियाफ के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजारूं। लेकिन आज ये मैं नहीं चाहती। मैं तो उसके साथ सारे इख्तलाफात दूर करके एक मुकम्मल शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और जरियाफ वो भी तो अपना ही सोच रहा है। ऐसा लगता है हमारी दोस्ती तो उसके लिए माजी का एक गुजरा हुआ किस्सा है। उलझे उलझे हुए धागे जाने कैसी बेबसी है, ख्वाब सोए हैं के जागे, खुद को भी आजमाऊं कैसे तुझको भूल जाऊं। दरिया, मेरी और तुम्हारी दोस्ती कभी थी, अब है नहीं। सच ही है, तुम से कोई बात नहीं करना चाहती। किसी और का मैं इसका मतलब है कि दानिया के दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत है। वो अरमान को पसंद करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। वो खामखा मुझे दरमियान मिला रही है। क्या बात है जरिया, किस बात पे उलझे हो? कहीं सोनिया से लड़ाई तो नहीं हुई? यार वो एक अजीब केस है, बुरी तरह से उलझा हुआ उसमें। क्या सोनिया से एंगेजमेंट करके? नहीं यार, सोनिया की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ तो किसकी बात कर रहा है? एक दोस्त है मेरा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई, जाके किसी मुफ्ती से पूछ। ओ यस, गुड आइडिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हेलो, क्या हुआ? तुम क्यों चाहते हो मैं दानिया को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं? इसलिए क्योंकि तुमने उससे पूछे बगैर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुम्हारे से अलहदा नहीं होना चाहती। गलत, वो तुम लोगों के प्रेशर में आ गई थी, वरना वो मेरे साथ कभी शादी ना करती। वो अभी भी तुम्हारी फिक्र करती है और तुम्हारे साथ मोहब्बत भी करती है। नहीं अरमान, अब ऐसा नहीं है। तुम उसको जितना भी मेरे साथ रहने का मौका दो, वो मुझे अब एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करती। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। कल ही ये बात उसने खुद अपने मुंह से बोली है। वो सोसाइटी और फैमिली की डर की वजह से मुसलसल झूठ बोले जा रही है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? लेकिन उसे मेरा साथ फिर भी कबूल नहीं। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। मैं जानता हूं वो तुमसे अभी नाराज है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो मान जाएगी। नहीं अरमान, ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्दी मेरी सोनिया अपनी शादी होगी। अगर तुम लोगों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत है
और मुझे तुम दोनों ने यकीन दिला दिया कि अगर मैंने डाइवोर्स पेपर पे साइन करके दानिया को आजाद कर दिया तो फिर तुम दोनों शादी कर लोगे, तो मैं खुशी खुशी करने को तैयार हूं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि दानिया की असल खुशी इसी में है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं दानिया को इस दुनिया में जितनी भी खुशियां दे सकता हूं दूंगा और उसका दिल अपनी तरफ मायल कर दूंगा। उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। काश तुम्हारी पहली मोहब्बत होता जैसे तुम मेरी हो। मैं जानता हूं तुम दानिया से कितनी मोहब्बत करते हो और ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ है। हाँ गलती का एहसास हुआ है। क्या तुम यही चाहते हो? बेगम साहिबा ये ले गर्मा गर्म चाय। सकीना जी बेगम साहिबा दानिया कहाँ? जी वो तो अपने कमरे में है, बल्कि मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। कमरे में क्या कर रही है? जी वो अपने काम में बिजी थी। अपने काम में या अरमान साहब के काम में? जी अपने काम में। सकीना तुमने कभी उसे अरमान साहब के काम करते हुए देखा? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। बेगम साहिबा अगर सच पूछे तो दानिया बीबी और अरमान साहब को एक साथ कमरे में मैंने कभी इकट्ठे देखा ही नहीं, तो उनके काम करना तो बहुत दूर की बात है। कमरे में लड़ते झगड़ते तो नहीं? अरमान साहब तो अपने कमरे में होते ही नहीं है। क्या कह रही हो, कमरे में नहीं होते तो कहाँ होते हैं? वो तो कब से स्टडी में सोते हैं। अच्छा तुम जाओ। जी अच्छा। अरमान जानता हूं मैं, मगर वो फिर भी नहीं मानेगी। अच्छा ये बात डिसाइड हो गई है कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। ये सब ठीक नहीं अरमान। एक दफा तुम दोनों का निकाह हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो राजी हो जाएगी मुझसे शादी करने के लिए? खुद सोचो यार, जिस लड़की ने तुमसे पूरी जिंदगी मोहब्बत की है जब तुम उसे प्रपोज करोगी तो कैसे नहीं राजी होगी? अगर वो ना माने तो? यकीन दिलाना होगा अपनी मोहब्बत का कि तुम कब से करते आ रहे हो। मोहब्बत में बहुत ताकत है, मेरा यकीन करो वो मान जाएगी। दरियाब यार जल्दी आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। अरमान नहीं घर पे क्या? नहीं बेटे वो अरसल की तरफ गया है, लेट आएगा। और दानिया? वो भी आती है, तुम बैठो खाना तो शुरू करो। मुझे ही भूख नहीं लगी, अब मेरे कमरे में एक ग्लास दूध का भिजवा दें। तुम्हें क्या लगता है जो गलती मैं एक दफा कर चुका हूं उसे रिपीट करूंगा? कभी नहीं। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? यही कि मैं सब बातें जान चुका हूं, एक दफा इन दोनों की शादी हो जाए मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी नहीं वापस आऊंगा। सकीना सकीना क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? ठीक है, पर क्या है नजरिया कि तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुम
ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बोलो, क्या कह रहे हो? तुम भूल गए हो हमारे बीच में? झूठ मत बोलो दानिया। तुम जानते हो ये सब किसकी वजह से हुआ? इसका कसूरवार भी तुम मुझे ठहरोगे? आओ सकीना। दानिया, अरमान का है, नजर नहीं आ रहा। वो स्टडी में होगा, हर वक्त लैपटॉप पे रहते थे। सकीना तुम जाओ, अरमान साहब को बुला के लाओ। दानिया, ये अरमान का वार्डरोब कौन देखता है? वो खुद ही देखता है। बेटा, शादी के बाद ये जिम्मेदारी बीवियों की होती है। तुम उसका वार्डरोब देखा करो, कौन से कपड़े उसने पहनने, कौन से लॉन्ड्री में जाने, कौन से प्रेस होने, ठीक है ना? जी मामा, आपने मुझे बुलाया? बेटा, मैंने सोचा था तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, तो तुम्हारी पसंद का सूप बनवाया। ओह, थैंक यू। बैठो, रानी सूप निकाल के दो अरमान को। जी। अच्छे, छोटी छोटी बातों को जिंदगी का रोग नहीं बना लेते, गलतियां इंसानों से ही होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा, तुम लोग सो पियो, मैं चलती हूँ। और हाँ, जल्दी सो जाना। सोते हैं, तुम जाओ स्टडी में। ये क्या? क्या? मैं शायद मामा को शक हो गया। लॉक है। सकीना, मुझे चाय बना दे। जी, अभी लाई। सकीना, अरमान कहाँ है, घर पे नहीं है क्या? जी, वो अरमान साहब और दानिया बीबी आज तो जल्दी चले गए थे अपने कमरे में सोने के लिए। कमरे में? अच्छा ठीक है, आप मेरी चाय बना दें। जी। अगर मैं गलत हुआ और तुम और जरियाब शादी करने पर राजी ना हुए, तब ही मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया।
और फिर मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हारा दिल जीतने की। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है दानिया, इसीलिए तुम्हारी खुशी की अहमियत और एहसास है मुझे। सकीना, ऑमलेट बना लेना और फ्राइड एग और वक्त पर नाश्ता सर्व कर देना, ठीक है? अरे दानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अच्छा सकीना, तुम ऐसे करो, कल भी तुमने चाय में चीनी डाल दी थी, मैंने तुम्हें कहा है कि चाय में चीनी मत डाला करो। बल्कि दानिया, तुमने जो भी नाश्ता बनवाना है सकीना को कह दो, वो बना देगी। और तुम जाके अरमान के पास बैठो, उसे टाइम दिया करो। मैं कह रही थी कि मैं खुद ही बना लेती। मैंने कहा ना, तुम जाओ अरमान के पास बैठो। जी। ओ, तुम जाग गए हो। आजकल मामा को क्या हो गया, बहुत अजीब सी बिहेव कर रही है। तुम समझ सकते हो ये क्यों कह रही है? एक ना एक दिन उनको हकीकत का पता चल ही जाएगा। और तुम्हें उस दिन का शिद्दत से इंतजार। प्लीज दानिया, ये सब कुछ ठीक नहीं है। जानती हूँ, इसका एक ही सलूशन। वो क्या? तुम लंदन चले जाओ। उसका फैसला मैं कर चुका हूँ। तो फिर देर किस बात की? जरिए आपके राजी होने के इंतजार। ये तुम गलत कर रहे हो। ये सब कुछ तुम नहीं समझोगी। बेगम सर का पानी। सकीना, मेरी दवा लेके आना जरा दराज से। जी अच्छा। सर बहुत दुख रहा है मेरा आज। बेगम साहिबा, आपको पता है तीनों की आपस में खूब मीटिंग चल रही है। कैसी मीटिंग्स? मालूम नहीं जी, खुदा जाने तीनों आपस में सर जोड़े क्या क्या बातें करते हैं। और जब भी मैं उनके पास से गुजरती हूँ खामोश हो जाते हैं। अभी मैंने तीनों को कमरे में जाते देखे। तो तुमने ऊपर जाके सुना नहीं? ना जी, मेरी तौबा, मैं ऊपर नहीं गई। एमवी अरमान साहब को मुझ पे शक हो जाता तो फिर मेरी खैर नहीं थी। वैसे भी अरमान साहब अब बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं और मुझे गुस्से से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी।
बात उसको किसने बताई? ना मैंने ना तुमने। मेरी खामोशी की एक वजह थी सोनिया। सोनिया तुम। ओ अब मैं समझी, ये है तुम्हारी मसरूफियत। जाहिर है, फिर कब टाइम मिलेगा मेरे कॉल अटेंड करने का? सोनिया सोनिया मेरी बात। सोनिया बेटे बात सुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो। और दानिया, जिसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था वो तो यहाँ से भागा फिरता है, और जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है वो यहाँ इस तरह क्या चल रही है? मामा जो आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरिया आप तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, तुम जरा मेरे कमरे में आओ दानिया। मामा मामा क्या हुआ सोनिया, इतने गुस्से में क्यों? ये ले और जरिया आपको वापस कर दे, और उनसे कहना कि हमें उनके वारा बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं है। सोनिया ये तुम क्या कह रही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे बेवकूफ बना रहा है, शादी मुझसे करना चाहता है, बिजी किसी और के साथ रहता है। देखो इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, वो भी इस सिचुएशन में जबकि तुम्हारे डैड अपनी कंपनी के आधे शेयर उनको दे चुके तुम्हारी वजह से। सॉरी पर जरिया की ये इग्नोरेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा रिलैक्स करो, मैं उनसे बात करूंगी, अपने कमरे में जाओ। चलो जिस तरह सोनिया घर से निकली है मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा इस तरह एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी? तुम नहीं जानते वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, अब देखना उसके डैड की कॉल मामा बाबा को आएगी। तुमने उससे मंगनी करने में बहुत जल्दी की। जल्दी मैंने नहीं की, जल्दी मामा बाबा ने की। और वैसे भी बाबा को बिजनेस बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। I'm sorry यार, मुझे अभी तक यहाँ की सिस्टम की समझ में नहीं आई, यहाँ पर तो इंसानों की कोई बात ही नहीं सुनता, रिश्ते बनाते हैं बनाते हैं पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तुम्हें एहतजाज करना होगा जरिया। मामा बाबा के सामने अगर मैं बोल सकता तो तुम्हें पता है मैं किसके हक में बोल। पहली गलती खामोश रहने की वजह से हुई है, और अब देख लो एहतजाज ना करने पर और क्वेश्चन ना उठाने पर इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। कीमत अदा कर तो रहा हूं। सोनिया नाराज है मगर क्यों? देखे मिसेस सफदर, सोनिया काफी दिनों से महसूस कर रही है जैसी जरियाब की दिलचस्पी होनी चाहिए वैसी नहीं है। आप क्या कह रही हैं? आखिर बात क्या है, कुछ तो पता चले। ये तो आप दानिया से ये पूछें, जो आपके दोनों बेटों को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, और यही वजह है कि सोनिया बहुत डिस्टर्ब है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर आप सबने आंखें बंद कर रखी है इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम सबने भी आंखें बंद कर रखी है। देखे सोनिया भी बच्ची है, रिश्तों की नजाकतों को नहीं समझ सकती। सोनिया हमारी इकलौती बेटी है और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसकी शादी जिससे होने जा रही है वो किसी और के नाज नखरे उठाता फिरे। अगर ये गलतफहमी है तो इससे दूर होना चाहिए। आपने बुलाया था? कितनी दफा समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने हमारी फैमिली को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। आप क्या कह रही हैं आंटी? सोनिया की अम्मी की कॉल आई थी, बहुत नाराज हो रही थी। क्यों? तुम
तुम्हें ये सवाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी यही तरबियत की है? कम से कम उनकी इज्जत का नहीं तो इस घर की इज्जत का ही ख्याल रख लेती। आंटी हुआ क्या है? ये जो तुम सारा दिन जरियाब के आगे पीछे मंडलाती रहती हो और वो सारा सारा दिन दानिया दानिया करता रहता है, क्या है ये सब कुछ? देखो दानिया, सफदर साहब की और तुम्हारे वालिद की दोस्ती बहुत पुरानी है, और अगर इस दोस्ती पे कोई हर्फ आया तो इसके जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। आंटी आपने जो कहना है कह रहे, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगा। ये इल्जाम नहीं है, सोनिया ने कुछ देखा है तो वो कंप्लेन कर रही है, वरना वो पागल तो नहीं। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ। क्या हुआ दानिया, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? कि मुझ पर जितना भी गर्जे बरसे वो कम है ना, क्योंकि तुम यही चाहते हो। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? अपनी तरफ से बहुत अजीम इंसान बन रहे हो तुम, तो मोहब्बत करने वालों को मिला रहे हो, हाँ बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। आपका क्या मतलब है दानिया? किस किस को बताओगे असलियत क्या है? हर कोई मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, हर किसी को लगता है कि सोनिया के फियांसे को मैं एंगेज कर रही हूं। किसने कहा ये सब कुछ? जरिया आपकी जिंदगी पे हक रखने वाली है। सोनिया, जरिया आपकी कॉल आई थी? नहीं अभी तो नहीं। क्या आपकी बात हुई आंटी से? हाँ मेरी बात हुई थी, और काफी शर्मिंदा हो रही थी वो। होना भी चाहिए, हमारी फैमिली उनके लिए इतना कुछ कर रही है, सॉरी करना तो बनता है। वैसे जरिया आपके लिए इतना क्रेजी होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मॉम जब भी मैंने खुद के लिए किसी को चुना है आपको कभी अच्छा लगा है? इसीलिए तो इस बार तुम्हारे डैड ने जरिया आप जैसे लड़के का इंतखाब किया और तुम्हें पसंद भी आ गया। That's why, जरियाब की इग्नोरेंस मुझे अच्छी नहीं लगती। सोनिया, देखो, तुमने और दानिया ने एक साथ रहना है, और दोनों भाइयों में मोहब्बत भी बहुत है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। मॉम, you're not understanding. My problem is जरियाब, और जरियाब मेरे अलावा किसी और को टाइम दे, ये मुझे पसंद नहीं। मामा, सोनिया को इतनी गलत बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें दानिया की कोई गलती नजर नहीं आती? दानिया और जरिया बचपन से दोस्त हैं, इसमें गलत क्या है? तुम यहाँ पर अपनी बीवी की हिमायत कर रहे हो या अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? इसमें मेरी जिंदगी कहाँ से बर्बाद हो रही है? बीवी की हिमायत और वो भी माँ के साथ, बहुत खूब अरमान, अब माँ की कोई हैसियत नहीं रही। देखिए अजीज भाई, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और आपकी और सफदर साहब की दोस्ती कोई आज की बात नहीं, लेकिन अगर यही बात आपने अपनी बेटी को समझाई होती तो आज हम सबको ये दिन देखना ना पड़ता। क्या बात हुई भाभी साहबा, कोई मिसबिहेव किया है दानी ने आपके साथ? ऐसा नहीं कर सकती हूँ,
میرا بھی یہی خیال تھا کہ کم از کم وہ اپنے باپ کی دوستی اور احسانات کا کچھ تو خیال کرے گی اور ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے آپ کی اور ان کی دوستی پر کوئی آنچ آئے۔ بھابھی بات کیا ہوئی آخر، کوئی غلطی ہو گیا دانیہ سے؟ پلیز آپ مجھے بتائیں، میں سمجھا دوں گا اسے۔ دیکھیں عزیز بھائی، شادی سے پہلے کی بات کچھ اور تھی، لیکن اب سریاب کی منگنی ہو چکی ہے، اس سے کہیں کہ خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دانیہ کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑ رہا ہے۔